फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे क्लास 10 से, और जो चैप्टर लिया है वो ट्रिग्नोमेट्री। एक हॉट्स लेवल का शानदार क्वेश्चन लिया है, 4 मार्क्स से नीचे का नहीं आएगा, हो सकता है ज्यादा मार्क्स में भी आ जाए। क्वेश्चन आसान है लेकिन काफी लेंथी है। आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। चलो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना वो देखते हैं। पी का वैल्यू दिया है कोसाइन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये देखो प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ में पी स्क्वायर जैसा टर्म चाहिए, तो आप क्या करो पहले सेपरेटली पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, फिर एक बार क्या करेंगे उसमें से -1, फिर एक बार +1, दोनों को डिवाइड करेंगे, और आपने अगर कोई गलती नहीं की तो गारंटीड है कि आपका कॉस थीटा आ जाएगा। तो फिर क्या करें, पी की वैल्यू लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। तो पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ अपने को, ये दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। स्क्वायर तो चाहिए चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां आ गया पी स्क्वायर और यहां क्या आ गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। कह सकते हैं कि पी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आ गया। अब क्या करें, पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है इसको जरा साइन कॉस में खोलते हैं, वरना उसके बिना बात नहीं बनेगी अपनी। तो चलिए, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, खोलो सबको साइन कॉस में। तो व्हाट इज कॉस स्क्वायर, ये होता है साइन का रिवर्स, स्क्वायर लगाए आप भी लगा दो। यहां देखो कॉट स्क्वायर, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 कोसेक, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा तो ये हो गया है कॉस अपॉन साइन थीटा। अब जरा देखो प्रॉपरली लिख देते हैं एक बार, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। जरा चेक करो, एलसीएम लेने वाला हूं लेकिन बेस तो तीनों का बराबर है, तो फिर एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पी स्क्वायर में एलसीएम कितना आ गया नीचे, साइन स्क्वायर थीटा। और जब हमने एलसीएम में ये बेस बिल्कुल एज इट इज सेम एक बार लिख दिया हो, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। बस अब इस पी स्क्वायर की वैल्यू को यहीं छोड़ दीजिए इक्वेशन 1 मान के, आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद का स्टेप मुझे दिख रहा है काफी बेहतर, लेकिन वो आपको इस क्वेश्चन में फायदा नहीं देगा, यहीं छोड़ दो इसको। अब चेक करो क्या पी स्क्वायर में से 1 माइनस करना है और एक बार 1 ऐड करना है, तो दोनों को पहले सेपरेटली निकाल लो फिर डिवाइड करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पी स्क्वायर -1 निकाला, ये रही पी स्क्वायर की वैल्यू। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। चलिए एलसीएम लीजिए, तो पी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, यहां नीचे 1 ले लीजिए और डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूं, साइन स्क्वायर थीटा आ जाए 1 इंटू ऊपर वाला न्यूमिनेटर, तो वो तो आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए, उसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। माइनस 1 में कितना मल्टीप्लाई करूं, साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू ऊपर वाला न्यूमिनेटर जो कि 1 है, तो कोई फर्क डालेगा नहीं। खोलिए इसे, तो पी स्क्वायर -1 आ रहा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा यहां लिखा हुआ है प्लस 2 कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो पी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर अगर न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो 2 कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल निकाल लो। तो पी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा कॉमन, क्या बचा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से पी स्क्वायर -1 अब आगे और सॉल्व नहीं हो पाएगा, पी स्क्वायर -1 आ गया। अब एक काम करते हैं, पी स्क्वायर +1 की वैल्यू निकालते हैं, पी स्क्वायर तो अपने पास है ही क्वेश्चन 1 में, तो क्या करें, जैसे यहां पर -1 किया था अब एक बार +1 कर देते हैं। तो ये लीजिए पी स्क्वायर और +1, तो पहले पी स्क्वायर लिखते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस टू कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का वन। चलिए अगला स्टेप क्या आएगा, लेना तो आपको एलसीएम भी पड़ेगा यहाँ पर, इसका एलसीएम भी क्या आएगा सेम साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाए वन इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो ये लीजिए न्यूमरेटर लिख दिया मैंने, प्लस वन में कितना मल्टीप्लाई करूं साइन स्क्वायर आ जाए, भाई साइन स्क्वायर थीटा ही करना पड़ेगा, इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर जो कि वन है, तो वो मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं डालेगा। अगला स्टेप देखिए, तो पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, बोलिए ऐसे तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखने वाला स्टेप है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है भाई, वन होता है, तो आपने लिखा पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो पहले लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन एक और आ गया, प्लस टू कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस वन टू हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू प्लस टू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से ऊपर से टू कॉमन मुझे दिख रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू क्या आया, टू कॉमन लेकर वन प्लस कॉस थीटा टू कॉमन है बाहर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे लगता है कि पी स्क्वायर प्लस वन भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, पी स्क्वायर माइनस वन आ गया, पी स्क्वायर प्लस वन आ गया, दोनों को डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारे पास कॉस थीटा आता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करें, पी स्क्वायर माइनस वन रखें और उसको डिवाइड करें पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू से, तो पी स्क्वायर माइनस वन कितना है टू कॉस थीटा ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइड ही तो है पी स्क्वायर प्लस वन से, उसकी वैल्यू क्या है टू ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इस डिवाइड को अगले स्टेप पे क्या करें, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो कितना आ गया टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन टू वन प्लस कॉस थीटा। देखो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर जा रहा है, टू से टू जा रहा है, वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा जा रहा है, चेक कर लो बचा क्या आपके पास, सिर्फ कॉस थीटा बचा, जो किसके बराबर हम यूज कर रहे हैं पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन के। ये देखिए यही प्रूफ करना था, एक हॉर्स लेवल का बहुत ही शानदार और एक ट्रिकी और कह सकता हूं लेंथीएस्ट क्वेश्चनों में से एक ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमने पूरा सॉल्व कर दिया। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, ट्रिग्नोमेट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।